Assalamu alaikum dear students of class 11th as well as neat aspirants. Today we shall discuss the important topic about the shapes of the orbits. We are going to study about the shapes of the orbits. So far as you people do know, there are many shapes of the orbits. So far as S orbitals are concerned, they possess symmetrically spherical shape. Next, we do have P orbitals, which possess a dumbbell shape. And then we do have D orbitals, which possess a double dumbbell shape. And so far as F orbitals are concerned, they possess complex shape. So it is very difficult to determine or draw the shapes for the F orbitals. So, in the meanwhile, we are going to study about connect charger. हाँ तो बेटा, pay attention. So, repeatedly, I am going to say that we are now going to discuss the shapes of the orbitals. So you please write down shapes of orbitals. Shapes of orbitals. Shapes of orbitals. Orbitals are classified. Orbitals are classified into following types. Number first, orbitals are classified into following types. Number first, it is S orbitals. बेटा ध्यान रखिएगा. सो फार एज एस ऑर्बिटल्स आर कंसर्नड, एज आई हैव जस्ट मेंशनड, एस ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकली स्फेरिकल एंड आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं ये सिमेट्रिकली स्फेरिकल है. तो जब भी हम बात करते हैं कोई चीज अगर सिमेट्रिकली स्फेरिकल है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है. अगर हम देखते मतलब ये इस डायरेक्शन में चले जाती तो हम कहते हैं कि इनकी कोई डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में चले जाती है. लेकिन जब हम सिमेट्रिकली स्फेरिकल की बात करेंगे, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ. लेकिन बेटा आपको मालूम है क्या, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर एस ऑर्बिटल्स. बेटा आपने पढ़ा था एस ऑर्बिटल्स के लिए, आप मुझे बताएंगे L is equal to zero. For S orbitals, L is equal to zero. अगर मैंने यहां पे बताया S orbitals के लिए L किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, यानी कि इनकी एक सिंगल पॉसिबल ओरिएंटेशन है. इनकी सिंगल पॉसिबल ओरिएंटेशन, क्योंकि जीरो यहां पे एक वैल्यू है. For S orbitals, L is equal to zero. Therefore, there is a single possible orientation. Therefore, there is a single possible orientation for S orbit. ध्यान रखिएगा बेटा. तो S orbitals की एक single possible orientation है. बेटा ये आपको कहां से मालूम हो गया, जरा आप मुझे बताएंगे. ये एक ओरिएंटेशन इनकी है, ये आपको कैसे मालूम हो गया? बिकॉज फॉर एस ऑर्बिटल्स L इज इक्वल टू जीरो. बेटा यहाँ पे जीरो जीरो नहीं होता, ये एक वैल्यू होता है. एक वैल्यू होता है, जैसे कि हाँ P की अगर हम बात करेंगे, वहां पे आता है जीरो माइनस वन प्लस वन, तो तीन पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है. D की अगर हम बात करेंगे तो फाइव पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है. F की अगर बात करेंगे तो सेवन पॉसिबल ओरिएंटेशन. तो सिमिलरली जो S ऑर्बिटल्स होती है उनकी एक पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है. यहां पे हम लिखेंगे S ऑर्बिटल्स आर
जो बेटा एस ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल्स आर सिमिट्रिकली, सिमिट्रिकली क्या होते हैं, सिमिट्रिकली स्फेरिकल इन शेप। वो मैं अभी बेटा इनकी शेप भी यहां पे ड्रा करने जा रहा हूं, और सिमिट्रिकली स्फेरिकल इन शेप, सिमिट्रिकली स्फेरिकल इन शेप एंड और इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, एंड और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। क्या होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, एंड और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, एंड और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो बेटा ध्यान रखिएगा, फॉर एस ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर देयर इज अ सिंगल पॉसिबल ऑरियंटेशन फॉर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकली स्फेरिकल इन शेप एंड और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आज बेटा ध्यान रखिएगा, हां बेटा ध्यान रखिएगा, तो क्या है ये, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें, हाउ कैन वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स इन एस ऑर्बिटल्स। यहां पे आप ध्यान रखिए, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स इन एस ऑर्बिटल्स, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स इन एस ऑर्बिटल्स, द फॉर्मूला इज, कौन सी फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला इज n-1, यानी कि बेटा यहां पे ध्यान रखिएगा प्लीज, हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ नोड्स, तो नंबर ऑफ नोड्स किसके बराबर है, इज इक्वल टू n-1। जरा बेटा आप मुझे बता दीजिएगा, नंबर ऑफ नोड्स के लिए फॉर्मूला क्या है, n-1, n का बेटा वैल्यू है 1, 2, 3, 4 एक्स्ट्रा। जरा बताइए फॉर वन एस, अब बेटा बताइए नंबर ऑफ नोड्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि बेटा ये है ना 1s, 1 ही है, तो वो 1-1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा 1s में कितनी नोड्स होती है, 0 होता है, यानी कि 1s में कोई नोड नहीं होता है। ये क्लियर हो गया बेटा इस फार्मूला से, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू इनकी फार्मूला है n-1 से। अगर यहाँ पे हम देखना चाहेंगे n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 से, क्योंकि अगर आप 1s की बात कर रहे हैं तो बेटा नंबर ऑफ नोड्स वो तो होता है 1-1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिखेंगे कामा फॉर वन एस देयर इज नो नोड प्रेजेंट। तो बेटा 1s में कोई भी नोड नहीं होता है। अब ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है, अब अगर ऐसे आप जाएंगे बेटा 2s के लिए, बताइए मुझे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ नोड्स वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू, नहीं वो n-1, अब तो इस वक्त है ना ये 2s, वो तो 2-1 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि एक नोड होता है 2s फॉर 1s, देयर इज नो नोड, सॉरी बेटा देयर इज नो नोड प्रेजेंट, तो 1s में कोई भी नोड नहीं है, लेकिन बेटा जो 2s है उसमें एक नोड होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कामा फॉर टू एस देयर इज वन नोड। शाबाश बेटा, क्लियर हो गया, तो इसमें शक में शक होता हूं, बिकॉज बेटा फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1। तो इस हिसाब से आप बेटा इनको हम बोलते हैं, ये जनरल फार्मूला होती है नोड्स की, लेकिन अभी तक आपने मुझे ये नहीं पूछा सर ये नोड्स क्या होते हैं। बेटा दो चीजें होती है, जब हम एटम की बात करते हैं, एटम की जब हम बात करते हैं तो दो चीजें हमारे जहन में आती हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज, ये बहुत ही खास चीजें होती है, खास बात होती है, ये आपको मालूम है बेटा, ये है न्यूक्लियस, फिर ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल, ऐसे ये है थर्ड शेल एक्स्ट्रा, है ना बेटा। एक चीज आप जहन में रखिएगा, जैसे कि मैंने रिपीटेडली कहा कि कोई भी शेल आप लेंगे, शेल में सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स,
और ऑर्बिटल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो बेटा ऑर्बिटल्स जो होते हैं ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल्स किस में होते हैं? पहले शाल होती है, शाल में सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन बेटा जब हम बात कर रहे हैं नोड्स की, क्योंकि अभी मैं यहां पे बोल रहा हूं बेटा, यहां पे 1s में कोई भी नोड नहीं है, 2s में, लेकिन यहां पे ये क्लियर करना जरूरी बनता है कि नोड क्या है। एक्चुअली नोड हम बोलते हैं बेटा स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। सम बॉडी विल आस्क मी, यहां पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं? बहुत स्टूडेंट्स हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग स्टूडेंट अराउंड दिस स्पेस इज मैक्सिमम, क्योंकि यहां पे बहुत सारे। अब अगर मैं दूसरे रूम में जाऊंगा वहां पे कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, तो वहां पे मैं कहूंगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग स्टूडेंट इज जीरो या मिनिमम। क्लियर? तो बेटा यहां पे आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जब मैंने बात की है शाल की, शाल में सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स हम बोलते हैं बेटा द स्पेस वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे मिलता है वो ऑर्बिटल में मिलता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे नहीं मिलता है वो है बेटा ये जगह या ये जगह, और इसी को हम बेटा बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि यहां पे अगर मुझे कोई बताएगा कि यहां पे आपको कोई स्टूडेंट मिलेगा, तो बेटा यहां पे कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा, स्टूडेंट्स मुझे यहां पे मिल जाएंगे। और या अगर हम ऊपर देखेंगे छत पे हम स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि स्पेस में तो स्टूडेंट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मसला है। तो यहां पे मसला है, यहां पे बेटा इस जगह को, यहां बेटा इस जगह को प्लीज द स्पेस बिटवीन द शेल एंड द न्यूक्लियस और द स्पेस बिटवीन द टू शेल्स इज ऑलवेज नोन एज ए नोड। तो बेटा यहां पे आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, शाबाश नोड। आप एक काम कीजिएगा, यहां तक तो आपने लिखा ना बेटा, आप एक काम कीजिएगा, आप नोड को अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि नोड के बारे में आप बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा नोड क्या है, तो वहां पे आपने बेटा बोलना है उसको नोड क्या होता है। आप अंडरलाइन कीजिएगा नोड को, NOD नोड। आप बेटा इसमें लिखिएगा द स्पेस इन एन एटम, 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 द स्पेस इन एन एटम वायर WHERE वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, द स्पेस इन एन एटम वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इज जीरो, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मिनिमम, मिनिमम भी बोल सकते हो, मिनिमम मिनिमम यानी कि जीरो अप्रोच इज जीरो आर मिनिमम। तो बेटा यहां तक तो ये क्लियर है। अब और एक बात होती है बेटा, क्योंकि जब हम नोड्स को देखते हैं, नोड्स को हम क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। एक तो हम बेटा बोलते हैं रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स के लिए यही फार्मूला होती है, या इनको हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं, रेडियल नोड्स की और एक फार्मूला, या तो N-1 होती है या होती है रेडियल नोड्स। बेटा इनकी फार्मूला होती है N-L-1। आप लिखेंगे N-L-1, ये भी बेटा N-1 में ही आ जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, वो मैं अभी बताता हूं, या आप बताएंगे बेटा ये फॉर एस ऑर्बिटल्स ये क्या होता है, फॉर एस ऑर्बिटल्स। आप ध्यान रखिएगा एस ऑर्बिटल्स के रेडियल नोड्स भी होते हैं N-1। अब आप मुझसे कहते हैं सर फिर एल का कोई वैल्यू नहीं होता, बिकॉज एस ऑर्बिटल्स के लिए एल का वैल्यू जीरो होता है। क्लियर? अगर आप यहां पे रखेंगे N-0-1, आप मुझे बताइएगा बेटा, ध्यान रखिएगा ये चीज आप जहन में रखिए, L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। मैंने बेटा आपको बोला ना बार बार, इस चीज को आप जहन में रखिएगा,
L is equal to S P D F. क्लियर? जरा मुझे आप बता दीजिएगा, अगर बेटा ये जीरो है, जीरो या एस एक ही बात है ना, क्योंकि मैंने यहां पे बेटा बोला एस ऑर्बिटल्स के लिए, तो फार्मूला बन जाएगी ना एल एन माइनस जीरो माइनस वन, तो बेटा एल का वैल्यू एस ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है, एस के लिए जीरो होता है, तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन माइनस जीरो माइनस वन विच इज इक्वल टू एन माइनस वन. क्लियर? शायद अगर आप के लिए वो भी बन जाती है n minus 1, because for s orbital l is equal to 0. Clear? हाँ बेटा ध्यान रखिएगा. तो यहां तक ये क्लियर है? तो बेटा अब कोई आपसे ये पूछ सकता है कि जो रेडियल नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द नोड्स दैट आर प्रेजेंट ड्यू टू द रेडियस ऑफ एन एटम आर नोन एज रेडियल नोड्स. और बेटा दूसरा होता है नोड, उसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड्स. एंगुलर नोड्स बेटा उसके लिए फार्मूला होती है एंगुलर नोड्स इज ऑलवेज इक्वल टू एफ. यहाँ पे फिर से आप लिखिए, क्योंकि ये नोड्स की बात आ रही है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो दूसरा आप लिखिए, एंगुलर नोड किसके बराबर होता है? एंगुलर नोड की फार्मूला है एंगुलर नोड इज इक्वल टू एफ. जरा मुझे बताइए एस ऑर्बिटल्स के लिए एल का वैल्यू क्या आता है? जीरो. तो बेटा अगर हम देखेंगे एस ऑर्बिटल्स में कोई एंगुलर नोड नहीं होता. यहां पे आप लिखेंगे फॉर एस ऑर्बिटल्स एल इज इक्वल टू जीरो. देयर इज नो एंगुलर नोड इन एस ऑर्बिटल्स. म्यून गोबर यू गो क्लियर? ध्यान रखिएगा, बाहर जब निकलेंगे आपसे कोई पूछेगा आज आपने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ी है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे. सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, जरा आप हमें बताएंगे क्या पढ़ा आज आपने? हमने पढ़ी है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. जरा हमें बताएंगे एस ऑर्बिटल्स की कौन सी शेप होती है? सिमेट्रिकली स्फेरिकल शेप, क्योंकि अभी हमने वो ड्रा करनी है बेटा, वो मैं दिखाऊंगा. और फिर बाद में आप पूछेंगे, हाँ आप बताएंगे उनसे या वो आपसे पूछेंगे कि नेक्स्ट आप हमें नोड्स के बारे में बताएंगे. नोड्स दो किस्म के होते हैं इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल्स. एक होता है रेडियल नोड्स और दूसरा होता है एंगुलर नोड्स. रेडियल नोड्स की फॉर्मूला अगर हम देखेंगे एस ऑर्बिटल्स की होती है एन माइनस वन या एन माइनस एल माइनस वन. तो बेटा एंगुलर नोड्स की फॉर्मूला होती है एल. और चूंकि एस ऑर्बिटल्स का एल का वैल्यू जीरो आता है, यहां पे ध्यान रखिएगा, एल के लिए अगर हम एस ऑर्बिटल्स के लिए देखेंगे एल का वैल्यू कितना आता है? जीरो. तो बेटा इनमें कोई एंगुलर नोड नहीं होता है. एंगुलर नोड हमें दिखेगा कहां पे? पी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स में. पी में एक होता है और डी में दो होते हैं. वो मैं वहां पे क्लियर करूंगा बेटा कैसे इनमें एक और दो होते हैं. लेकिन यहां पे आप देखेंगे एस में, किसी भी एस में, चाहे आप 1s की बात करेंगे, 2s की बात करेंगे, 3s की, किसी भी एस की अगर हम बात करते हैं, कोई एंगुलर नोड नहीं होता है. लेकिन बेटा 1s में कोई रेडियल नोड नहीं होता है. अगर 2s में देखेंगे एक नोड होता है, अगर 3s में देखेंगे दो नोड्स होते हैं, और अगर 4s में देखेंगे तो तीन नोड्स होते हैं, एंड सो ऑन. अब हम बेटा इनकी शेप्स ड्रा करने जा रहे हैं. कोई यहां तक कोई आपको बेटा अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हुआ होगा आप बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक आप पूछ सकते हैं. ध्यान रखिएगा, अब हम एक काम करेंगे, वी आर नाउ गोइंग टू ड्रा द शेप्स फॉर 1s 2s 3s ऑर्बिटल्स. जरा बेटा ध्यान रखिएगा, प्लीज पे अटेंशन. 1s की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आप मुझे बताइए 1s में कोई नोड है? जोर से, जोर से, जोर से. नाइस, ये ध्यान रखिएगा, इसको फिल अप कीजिए डॉट से. तो डॉट से हमें ये पता चलता है कि यहां पे कोई नोड नहीं है.
अगर हम कहीं पे डॉट्स नहीं दिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली रूल बन जाएगा. दिस इज द शेप फॉर वन एस. कोई नोट दिख रहा है? हाँ बेटा. अब 2s की हम बात करें तो 2s में बेटा कितने रेडियल नोड्स होते हैं? एक होता है. जरा ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान होता है. आप बनाएंगे ऐसे ही. आप शायद मुझसे भी ज्यादा ये शेप्स खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं. हाँ ध्यान रखिएगा. चलो बेटा ध्यान रखिएगा, आप अपनी स्पेस चेंज कीजिएगा बेटा प्लीज. ध्यान रखिएगा, जरा मुझे आप बताएंगे इसमें कितने नोट्स मैंने रखे हैं? एक नोड अभी तक रखा है बेटा. ये है नोड, इसको हम बेटा बोलते हैं नोड, यानी कि वन नोड. कितने नोड? वन नोड. क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? वीडियो ठीक तरह से चल रहा है ना? बैटरी का छोड़ लीजिएगा, अभी तो वीडियो तो चलना चाहिए. इसमें तो फिर से ये कंटिन्यू हो गए. जरा ध्यान रखिएगा, तो 1s के लिए जहां तक बेटा s का मसला है, इसमें 1s में कोई भी नोड नहीं है. 2s में कितने नोड्स है? वन नोड. जरा बेटा आप 3s की शेप ड्रॉ कीजिएगा, दिखाइए कैसे आप दिखा सकते हैं दो नोड्स. शाबाश, मैं देखना चाहता हूं. कोशिश कीजिएगा बेटा. नाइस, ठीक. ये तो एक नोड आपने बनाया, लेकिन बेटा आपने ना दोनों नोड्स एक जैसे दिखाए. देखो क्या करना है, जो ये आपने यहाँ पे मतलब ये किया है, मतलब डॉट डॉट से आपने फ्लप किया है, इसको आपने ठीक रखा है. फिर आपने इसको क्लियर करना है, इसको एम पे ले रहा, फिर और एक आ जाए. हाँ सीक्वेंस इसमें होना चाहिए. अब ध्यान रखिएगा, जरा बेटा ध्यान रखिएगा, ये फिल्ड अप है ना, तो ये हमने क्या रखा है? ये हमने रखा है एमपीटी. अब इसको फिलअप किया है, दूसरे को हमने रखना है एमपीटी, फिर तीसरे को बेटा फिलअप करना है बेटा. डॉट से भी माशाल्लाह, लेकिन ये काम करना है इसको अच्छे से. ये इसको छोड़ के फिर ये, चलो फिलअप करना है माशाल्लाह. आपने बढ़िया रखा है. हाँ बेटा दिखाया आप लोगों ने. आप तो ये जरूरी नहीं है, ये वाला दिखाने बस अभी यहाँ तक ही दिखाना है. हाँ बेटा ध्यान रखिएगा. हाँ तो ये क्लियर हो गया? कैन वी ड्रॉ द शेप्स फॉर एस ऑर्बिटल्स नाउ? बेटा इसमें कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आज हमने अभी तक यहाँ तक डिस्कस की? क्योंकि बेटा आज हमने एस ऑर्बिटल्स की शेप्स की बात की है. एस ऑर्बिटल्स की अगर हम शेप्स देखेंगे, जरा बेटा ध्यान रखिएगा,
आप मुझे बता दीजिएगा, ये अगर आप देखेंगे बेटा इसकी स्फेरिकल है ना, सिमेट्रिकल स्फेरिकल बेटा, अगर हम देखेंगे, वैसे मैंने ज्यादा सिमेट्रिकल तो ये नहीं दिखाया है, लेकिन इनकी है सिमेट्रिकल 100% ये स्फेरिकल होती है। अगर हम देखेंगे जैसे इस साइड में स्फेरिकल होती है वैसे इस साइड में भी होती है, जैसे इस साइड में होती है वैसे इस साइड में भी होती है, तो बेटा इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकली स्फेरिकल। क्लियर? तो बाकी हमने इसमें पढ़े हैं दो किस्म के नोड्स होते हैं, एक तो रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स। आप एक काम कीजिएगा, आप लिखिएगा ना, नोट लिखिए नीचे, नोट में आप लिखिए बेटा नोट, NOT नोट, नीचे लिखिएगा रेडियल नोड्स ऑफ अंडरलाइन कीजिए, रेडियल नोड्स ऑफ अंडरलाइन कीजिए, रेडियल नोड्स, उसमें बेटा आप लिखिएगा रेडियल नोड्स में आप लिखिएगा द नोड दैट इज प्रेजेंट इन एन एटम, द नोड दैट इज प्रेजेंट इन एन एटम ड्यू टू द रेडियस, ड्यू टू द रेडियस, the node that is present in an atom due to the radius is known as radial node, is known as radial node. Wahi pe likhiye for s orbitals number of radial nodes is equal to n minus l minus 1, लेकिन small n में बेटा दिखाइएगा n minus l minus 1, या बेटा और आप लिख सकते हैं n minus 1 भी, क्योंकि यहां पे अगर आपसे कोई पूछेगा, ये तो वैसे मैंने क्लियर किया हुआ है, क्योंकि फॉर s ऑर्बिटल्स l इज इक्वल टू 0, तो जीरो है वो तो आ जाएगा n minus 0 minus 1, वो भी n minus 1 के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट है एंगुलर नोड्स, अंडरलाइन कीजिए बेटा एंगुलर नोड्स को, द नोड्स दैट आर प्रेजेंट इन एन एटम, द नोड्स that are present in an atom due to the angle, due to the angle created by different orbitals, created by different orbitals, created by different orbitals is known as angular node. Created by different orbitals, क्योंकि बेटा एक एटम में बहुत सारे किस्म के ऑर्बिटल होते हैं। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, वही पे लिखिए, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, फॉर्मूला इज यानी कि नीचे लिखेंगे ऑफ नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल, और लिखिएगा फॉर एस ऑर्बिटल्स देयर इज नो एंगुलर नोड। तो एस ऑर्बिटल्स के लिए अगर हम देखेंगे बेटा वहां पे कोई भी एंगुलर नोड नहीं होता है, तो ये भी क्लियर हो गया यहां पे, फॉर एस ऑर्बिटल्स देयर इज नो एंगुलर नोड, और s ऑर्बिटल देयर इज नो एंगुलर नोड। जरा ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि अगर l इज इक्वल टू 0, फॉर s ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 0, देयरफॉर देयर इज नो एंगुलर नोड। आप देख लीजिएगा जहां जैसे हमने ये स्टार्ट किया है क्वांटम नंबर्स बेटा यहाँ पे टॉपिक, तो कितनी जगह पे कितने सारे क्वेश्चन में हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा जो एज्यूमेथल क्वांटम नंबर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारी जगह पे आप इसको यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे इससे। तो इसको आप जहन में ही रखिएगा, एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, अब बेटा हमने पढ़ना है नेक्स्ट, वो है शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। बेटा जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं आपने वो देखा है ना, जो डम्बल जिसे हम पूरे से इनको मस्तिष्क को एक्सरसाइज करते हैं, हाँ जिम में जाके वो ना वो 8 शेपर होता है सर। तो जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डम्बल शेप होती है, और जो बेटा डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डबल डम्बल शेप होती है। तो इंशाल्लाह ताला